Application for re-examination. According to National Biosafety Rule 2005, applicants can submit their application for re-examination. Now, applicant may file the application to the National Biosafety Committee for re-examination. अगर National Biosafety Committee ने कुछ वजूहात की बिना पर रिसर्चर या एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया या आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई फ्रॉम द नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी, उसके बाद आप कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों सूरत हाल में आपने अपनी एप्लीकेशन नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी को सबमिट करानी है. दैट इज आफ्टर अ मिनिमम टाइम ऑफ 6 मंथ्स. 6 महीने के बाद रिजेक्शन या अप्रूवल के 6 महीने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन रीसबमिट करा सकते हैं, आइदर फॉर अप्रूवल और री अप्रूवल. नाउ व्हाट आर द रीजंस दैट एप्लीकेंट इज सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन फॉर री एग्जामिनेशन. ये दो सूरत हाल सूरतें मेजर मेंशन की गई हैं. एक चेंज इन सर्कमस्टांसेस. फॉर एग्जांपल, आपने एक्सपेरिमेंट अपनी एप्लीकेशन में जो सबमिट कराया है वो आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक सूटेबल नहीं है. आप अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपनी कंडीशंस के मुताबिक अपनी टेक्निक को चेंज करना चाह रहे हैं. देन इन सच कंडीशंस यू हैव टू रीसबमिट फॉर री एग्जामिनेशन. क्योंकि आपको जैसे कि मालूम है कि रिव्यूअर रिव्यू करता है एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड गिव देयर डिसीजंस. लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस ही चेंज हो जाएं, देन दिस विल हैव अ मटेरियल अफेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ रिस्क असेसमेंट. सो हेयर, इन ऑर्डर टू अवॉइड द चेंजेस इन रिस्क असेसमेंट methodology, we have to inform National Biosafety Committee. यहाँ पे National Biosafety Committee आपको help out करेगी कि how they can use an other risk assessment methodology and whether they are suitable for their environment or not. इसके अलावा change आपके scientific terms में भी आ सकता है. जैसे कि आपने इंटरप्रिटेशन साइंटिफिकली कुछ और की थी, लेकिन जब आपने उसको एज अ रिटन एप्लीकेशन को सबमिट किया तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ही चेंज हो गया. सो हियर यू हैव टू री एग्जामिन द एप्लीकेशन अगेन. इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल चेंज आप अपने प्रोसीजर्स, अपने एक्सपेरिमेंट में ला सकते हैं या इवन फॉर कमर्शलाइजेशन, देन यू हैव टू रीसबमिट बिकॉज हेयर देर इज अ मटीरियल अफेक्ट ऑन द डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशंस, और इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन द, और विच इज अपोजिंग ऑन द ऑथराइजेशन.